कौन सी भारतीयता में लिखा है कि पत्नी को आप जो है दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दीजिए और खुद दिन भर में पांच प्रकार के ड्रेस बदलिए। कैसा है जी, हमें पता चलिए, कुछ दिन तो ससुराल में गुजारिए। कृपया युद्ध में और सर्जिकल स्ट्राइक में अंतर बता दीजिए। अरे आप एक लाइन में, एक लाइन का सवाल जी, जो बात करी वो बहुत सही कही कि 34 सवाल है आपसे, ईमानदारी से एनसीआर भी क्या करने के हिसाब से जवाब दे दीजिए। इस देश की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। एक बड़ा माइक्रो लेवल पे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है सुरक्षा के मामले में। मैं मिश्रा साहब से ही बहस की शुरुआत करूंगा। मिश्रा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या जो है कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले जिस तरह के बयान देते हैं, पुराना इतिहास भी हम देखें, इस तरह के बयान देते हैं कि पार्टी को ही वो फजीहत में डाल देते हैं। हम दूसरे मुद्दे पर बाद में आएंगे जो मनीष तिवारी ने कहा, लेकिन पहले मैं राजनीतिक मुद्दे को समझना चाह रहा हूं, क्यों ऐसा ये कांग्रेस के नेताओं की ओर से किया जाता है। लगातार हम देखें, मणिशंकर अय्यर हो या फिर सलमान खुर्शीद की किताब हो या फिर अब मनीष तिवारी। देखिए मैं आपको बताऊं, मनीष तिवारी जी की अगर मैं बात करूं और जो एक्ट इन्होंने किया है तो इसमें सबसे बड़ा दोष तो मैं मनीष तिवारी को मानता हूं। ऐसे लोग परम स्वार्थी होते हैं जो केवल और केवल जिनको अपना फायदा दिखता है। मेरा सवाल मनीष तिवारी से है, उस वक्त अगर सरकार आपकी थी तो आप भी सरकार में मंत्री मिनिस्टर थे, हमेशा ये मंत्री रहे हैं, तो उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन किया था? पता नहीं आपने किताब में जिक्र किया कि नहीं। उस वक्त आपने कांग्रेस को, कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाया, कुछ किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आज आप कौन सा फायदा लेने के लिए कर रहे हैं? तो ये लोग ऐसे आदमी हैं जो ना पार्टी के हैं ना देश के हैं, कहीं के नहीं है। ये मुझे इनकी मंशा ये दिखती है। अच्छा तो ये होता कि अगर उसी वक्त आप इस मुद्दे को उठाते, आप कितने भी कमजोर रहे हो पार्टी में, लेकिन उसी वक्त एटलीस्ट राष्ट्र के सामने इस मुद्दे को रखते, मीडिया के थ्रू कहीं से भी करके। रही बात अब इस चीज को ये क्यों उठा रहे हैं, पहली चीज ये है कि पार्टी के विरुद्ध जाके ये क्यों उठा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे ये आता है कि पार्टी या देश की तो बात छोड़िए, ये सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ न कुछ यहाँ पे इनका सेल्फ स्वार्थ जरूर रहा होगा। यहाँ पे ना राष्ट्रहित की बात ये कर सकते हैं, ना पार्टी हित की बात कर सकते हैं, किसी की बात ये नहीं कर सकते हैं। तो अब ये अपने आप को बहुत अच्छा जो है सिद्ध करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं कि अब ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, जब आप पावर में थे तो आपने क्यों नहीं किया। ऐसे लोगों को पार्टी से, देश से, राजनीति से ही लोगों को नकार देना चाहिए, ये कभी काम आने वाले नहीं है। इनसे एक ही सवाल पूछिए, उस वक्त आप सरकार में थे तो आपने प्रेशर क्यों नहीं बनाया, आपने जनता के सामने ये मुद्दा क्यों नहीं रखा अगर इतना बड़ा मुद्दा था। ये टोटली अविश्वसनीय टाइप के नेता हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, और इनको इनको किसी भी पार्टी में कोई जगह भी नहीं दी जानी चाहिए। कि लड़ाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है और आप उस वक्त शांत बैठे हो, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो इन्हीं से पूछा जाए ना कि आपने उस वक्त क्या किया और आज क्यों कर रहे हैं, आपका क्या स्वार्थ है। चलिए के मिश्रा जी, आपको जवाब देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है कि उनके लिए दुभाषिया का इंतजाम जरूर। देश की सुरक्षा से संबंधित, पूरी दुनिया में देश की सुरक्षा से संबंधित दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। अगर गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बताया नहीं तो उसको सही नहीं माना जा सकता है। देश और दुनिया के सामने 120 करोड़ जनता के सामने रखना चाहिए। कोवर्ट ऑपरेशन अलग होता है, सर्जिकल स्ट्राइक अलग होता है। सर्जिकल स्ट्राइक को छुपाया नहीं जाता, कोवर्ट ऑपरेशन होते रहते हैं, हो सकता है करे किए हो या ना किए हो, वो जो है बहुत छोटे लेवल पे कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं, डिफरेंट तरीके से होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की तो डेफिनेशन ही यही है कि पूरी दुनिया उसको जान जाती है, उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है। मोदी गवर्नमेंट ने जब किया था तो सबने देखा कि नहीं देखा, पूरी दुनिया को पता चला, तहलका मचा कि नहीं मचा। और सर्जिकल स्ट्राइक आपने किया, किसी को पता भी नहीं चला, भाई कौन सा रिलेशन पाकिस्तान से आपका था, आप क्यों बताना नहीं चाहते थे, आप क्यों न्यूज़पेपर में नहीं ले आए, आपने राष्ट्र को संबोधित करके क्यों नहीं बोला कि हमने इस चीज का जो है बदला लेने के लिए या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमने ये ऑपरेशन किया, ये सर्जिकल स्ट्राइक की। आखिर देश की जनता का भी तो अधिकार है कि उनको पता चले राष्ट्र के दुश्मनों के साथ क्या हुआ। इतनी बड़ी फैसिलिटी जो देते हैं नेताओं को। हमारे गुर्जर हैं, विद्वत परिषद में आपका स्थान है, कृपया युद्ध में और सर्जिकल स्ट्राइक में अंतर बता दीजिए। अरे अब हम बात सर्जिकल युद्ध मैं बता रहा हूँ, चलिए आप अगर यही पूछ रहे हैं, युद्ध जो एकदम युद्ध एकदम डिक्लेयर्ड वे में होता है, दो नेशंस के बीच में होता है और लिमिटेड नहीं होता है,
सर्जिकल स्ट्राइक की इंफॉर्मेशन पहले मीडिया में नहीं दी जाती है, वो बहुत लिमिटेड वॉरफेयर होता है, लिमिटेड 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 टारगेट को अचीव करने के लिए होता है। न्यूज के दर्शक देख रहे होंगे आपकी डिफिनेशन। अच्छा, क्या गलत है बताइए जरा, नहीं क्या गलत है बताइए ना। युद्ध बताकर नहीं लड़ा जाता है। अरे युद्ध बताकर नहीं लड़ा जाता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, कहां से पढ़ के आए हैं आप? 1971 का वार हुआ था, पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया रेडियो पे, इंदिरा गांधी ने रेडियो पे डिक्लेयर किया युद्ध का, तो वो बता के नहीं हुआ था? पता नहीं कहां से पढ़ते हैं आप लोग। बिल्कुल, अरे हम मैं आपसे ही पढ़ता हूँ। अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध किया, वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर करके किया, इराक पे अटैक किया वो डिक्लेयर करके किया, आईएसआई के खिलाफ युद्ध किया डिक्लेयर करके किया, जितने भी मिश्रा साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी युद्ध हुए डिक्लेयर होते हुए। पब्लिक भारत नहीं है, बीके न्यूज है, आराम से हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी साहब जवाब दीजिए, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान के युद्ध की बात करें, जो छद्म होता है जो छुपके करता है, उस युद्ध की बात नहीं हो रही है, युद्ध की बात हो रही थी, और युद्ध तो घोषित करके ही किया जाता है। दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं इतिहास उठा के देख लीजिए, डिक्लेयर हो करके हुए हैं, छुपा के नहीं हुए। सर्जिकल स्ट्राइक एक लिमिटेड टारगेट के लिए किया जाता है। चलिए बाकी मेहमान भी है, डिक्लेयर करके इंडिया ने किया था, जो वीर देश होते हैं वो डिक्लेयर करके करते हैं। कारगिल युद्ध की इंफॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पे नहीं आ रही थी आपको? करगिल युद्ध का बकायदे मीडिया में खबर थी कि घुसपैठिए वहां पे घुस गए हैं, सारी खबर दिन पर दिन करगिल युद्ध की आदि थी छुपा। सर्जिकल स्ट्राइक को जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं होता है, पाटिल जी और मिश्रा जी चलिए, युद्ध 100 दिन का लड़ने का सामान भारत में है, 6 महीने का है, 100 दिन नहीं, 3 महीने नहीं, 6 महीने का स्टॉक है, नहीं होता एकदम। सबसे कहा मिश्रा जी, आपने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के पहले प्रधानमंत्री, चाइना ने अटैक कर दिया, उनको पता नहीं था वो काठमांडू हवाई अड्डे पर थे। आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोगों को पता होगा, पत्रकारों ने जब चलिए मिश्रा साहब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो मुद्दे हैं उस पर आएंगे हम, सुरक्षा के मसले पर, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाला बयान माना जाए, इसको जो किताब बम जो फूटा है इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या कांग्रेस को फायदा होगा? डेफिनेटली देखिए, आपने एक बात बड़ी अच्छी उठाई थी रावत जी, जो सेल्फ गोल वाली बात थी, ये देश का दुर्भाग्य रहा है, पार्टी का नाम आप मत लीजिए, देश का हम करते हैं। कुछ पार्टियां शासन में कुछ लोग ऐसे रहे हैं ना जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सेल्फ गोल करने में बड़े माहिर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देश जब आजाद हुआ पाकिस्तान बना, वो भी सेल्फ गोल का एक एग्जांपल है, अक्साई चीन भी एक सेल्फ गोल का एग्जांपल है। हमारे यहाँ लोग बोल रहे थे कि भाई आप मिलिट्री के इक्विपमेंट ये सब चीजें बनाइए, उस वक्त के रक्षा मंत्री मेनन साहब थे शायद, वो बोल रहे थे कि अरे भारत को मिलिट्री की क्या जरूरत है। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, पंजाब का आतंकवाद जो पनपा वो सेल्फ गोल का उदाहरण है, कश्मीर का जो मुद्दा उठा 70 साल तक चलता रहा वो सेल्फ गोल का उदाहरण है। अपने राजनीतिक हित या आप और पॉजिटिव वे में ये बोल सकते हैं, जरूरत से ज्यादा उदारवादी बन जाना, पता नहीं भाई जब दो नेशन अलग हो गए मैं बोलता हूं, और पाकिस्तान हमेशा वो कर रहा है, तो आप जबरदस्ती आप अपने पे फोकस करिए, रेदर देन उनसे रिलेशन हमारे मेंटेन होने चाहिए, और वो आपके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। तो सेल्फ गोल की ये एक पुरानी परंपरा है। देखिए राष्ट्र सर्वोपरि की अगर बात करें, सत्ता में कोई भी पार्टी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड और फो कौन है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। इस दुनिया में अगर आपको टिके रहना है तो सबसे पहले एक बहुत महीन सा बारीक सा जो डिफरेंशिएशन है, ये सारी राजसत्ता को सारे राजाओं को शासकों को जानना चाहिए कि कौन अपना दोस्त है कौन दुश्मन जी, है। बिल्कुल ये दोस्त के साथ दोस्त जैसा व्यवहार, दुश्मन के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए ये सही का, के साथ तो करते हैं मित्रवत व्यवहार जी, दोस्तों के साथ ये दुश्मनी करते हैं। हाँ, सिद्धू साहब अभी गए थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ तो व्यापार शुरू हो जाना चाहिए, और वहां जाके भाई बता दिया उन्होंने। प्रियंका गांधी का प्रयाग में क्या है? चलिए मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप तो जवाब नहीं दे रहे हैं त्रिपाठी जी, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वराज भवन सुना है आपने? नहीं नहीं, स्वराज भवन मेरे कांग्रेस के मित्र से मैं बोलूंगा, नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, बहुत निम्न स्तर के बहुत निम्न स्तर के राष्ट्रीय डिबेट में तर्क वितर्क शुरू हो गए कि किसकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। मैं आपको बताऊं, मुझे एक जो डिक्लेयर्ड रिश्तेदारी है वो पता है, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की ससुराल इटली में है,
ये तो डिक्लेयर्ड है ना, ये मानेंगे बिल्कुल। हाँ बाकी जो आपने बताया वो अनडिक्लेयर्ड है, मैं डिक्लेयर्ड की बात करता हूँ। अब उसके आगे मत करवाइए क्योंकि वो निम्न स्तर का है। हम आते हैं अपने मुद्दे पे, ये सर्जिकल स्ट्राइक देश की सुरक्षा का। देखिए मैं बताऊं, इसके पहले जो सरकारें थी, ठीक है परफॉर्मेंस सब में होती है, एक बड़ा माइक्रो लेवल पे स्ट्रेटजिक शिफ्ट आया है सुरक्षा के मामले में। वाह सुरक्षा मतलब सीमा पे बॉर्डर पे, और उसके बाद आंतरिक सुरक्षा में दोनों सरकार, यानी 2014 के पहले और 2014 में जो सरकार आई, पॉलिसी क्या चेंज हुई। एक होता है प्रिवेंटिव मेथड, इसके पहले जो होता था ना करेक्टिव होता था, बम फूट गया जी अब हम पकड़ेंगे अपराधियों को, ये करेंगे वो करेंगे। त्रिपाठी जी आ रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, मैं सारी सवाल ऐड कर लीजिए। सर मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, अभी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए। नहीं नहीं जेनुइन बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए थोड़ा मिश्रा जी, सुन लीजिए थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रिवेंटिव नहीं सुनेंगे, एक लाइन का सवाल नहीं सुनेंगे आपको, मैं मौका दे रहा हूँ, नहीं सुनेंगे आपकी आप बड़े भाई नहीं सुनेंगे आपकी बात, पहले मुझे खत्म करने दीजिए फिर सुनूंगा। सुरक्षा से संबंधित दो तरीके की स्ट्रेटजी होती है, एक होता है प्रिवेंटिव मेथड, यानी घटना होने के आप ये बता दीजिए 2014 के बाद आतंकवाद की घटना घटी है या नहीं है। करेक्टिव होता था, करेक्टिव ये होता था कि हो गया फिर हम पकड़ेंगे, फिर उसमें लोग मिलते थे, नहीं होते थे भाग जाते थे। ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट है डायनामिक्स के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से, जो इस सरकार ने किया है, होना ही ऐसा चाहिए। कहीं बम फटे इसके पहले इतना चाक चौबंद हो कि उन लोगों को ढूंढ करके जो टारगेट है, जो आतंकवादी है, उनको कब्जे में किया जा सके। ये एक मेजर शिफ्ट मैंने देखा है, ये एक प्रशंसनीय काम है, ये नहीं कि बम फट जाएगा फिर पुलिस दौड़ेगी फिर हम बयान देंगे फिर वो, ये सब चीजें, ये वाकई में एक बहुत टर्निंग पॉइंट है देश के सुरक्षा के हिसाब से, जो इस सरकार ने अब एक स्ट्रेटजिक शिफ्ट किया, चेंज किया। अब त्रिपाठी जी पूछिए जो आपको पूछना है, पूछे त्रिपाठी जी। और मेरा ये भी सवाल है कि मतलब जो इन्होंने त्रिपाठी जी ने जो माफ करिए मिश्रा जी ने जो बात करी वो बहुत सही कही कि पहले आप पकड़ लिए जाते हैं, आप पर आरोप लगता है कि पहले तो डरते थे कि अरे भैया समुदाय विशेष थे इसमें हाथ मत डालिए। आप पूछने नहीं देख रहे सुनील जी। हाँ बोलिए बोलिए। आप ये बताइए मिश्रा जी, मैं थोड़ा जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, क्या बॉर्डर पर जो जो होता है उधर से हमले होते हैं, जो सीज फायर का उल्लंघन होता है, 2014 के बाद वो घटनाएं घटी है या बढ़ी है, पहला सवाल। दूसरा, आतंकवाद की घटना कश्मीर में घटी है या बढ़ी है। तीसरा सवाल, सैनिकों की शहादत घटी है या बढ़ी है। तीन सवाल है आपसे, ईमानदारी से एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से जवाब दे दीजिएगा। एनसीआरबी का आंकड़ा मैं पढ़ के सुनाऊंगा, मेरे त्रिपाठी सुन लीजिए, जवाब दे रहे जवाब। तीनों सवाल का एक ही जवाब है, पहले तो आप खुश हो जाइए, मैं आपकी बात को कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे हम बीजेपी की तरफ से हर मामले। नहीं मैं नहीं कहूँ, सुन लीजिए आप हमारी तरफ, मुझे पता है। सर मत बोलिए ना थोड़ा, मैं मानता हूँ कि हर चीज बढ़ी है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है ये समझिए। इसके पहले वन साइडेड होता था, वो आके मार के चले जाते थे, हम बोलते नहीं थे। 5 लाख कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने, किसी भी पत्रकार ने आज तक सवाल नहीं पूछा। सर आज क्या है, आज क्या है कि अगर उधर 100 लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे उनको जवाब दिया जा रहा है। सरकार थी, सामना करना, उनको सबक सिखाना, जो फिर पावर होनी चाहिए सरकार में, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। भाजपा जनता दल के साथ जब दुश्मन बौखलाएगा तो वो अटैक ज्यादा करेगा, लेकिन वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, फर्क ये है सर। इसके पहले तो होते रहते थे अटैक, खबर भी आपने नहीं बताया, सर्जिकल स्ट्राइक भी किसी ने पता ही नहीं चला। पहले पूरा जो है आप फर्क समझिए जी, नहीं बता रहे मनीष, ये सबके लिए सही है, आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है, सुरक्षा तो सबको चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं मिश्रा जी कहना चाहूंगा, आपने कहा कि पहले कुछ नहीं होता था, पहले होता था सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा होती थी, कड़े शब्दों में निंदा की जाती थी घटना की, और कहा जाता कि कार्रवाई करेंगे हम, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निंदा भी नहीं होती थी। आप मुझे बताइए बॉम्बे में अटैक हुआ तो क्या पाकिस्तान की निंदा हुई थी, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद बालाकोट हो गया, मार दिए इन लोगों ने, चाइना से पैसा लिया है, कितने निकम्मे सरकार है, जेल भेजो भाई, कितने निकम्मे लोग हो, जेल भेजिए,
ऐसे लोगों को जेल से जो जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कितने निकम्मी सरकार है, कितने निकम्मी सरकार है जिस खानदान ने भारत को आजादी दिलाई, इतने बड़े खानदान के लोगों को कोई छू सकता है, जिन्होंने भारत के दो टुकड़े कर दिए, क्या बात कर रहे हैं? कोई सोच नहीं सकता है सपने में कि उनको जेल भेजा जाए, जिनकी ससुराल इटली में हो और जिनकी ससुराल मुरादाबाद। प्रियंका गांधी कितने दिन ससुराल में रही है बताएंगे जरा? एक भारतीय नारी का कर्तव्य होता है कि ससुराल में रहे, चलिए कुछ दिन तो ससुराल में गुजारिए। यूपी में हालत सुरक्षा की इतनी खराब थी कि वो कभी डर के मारे मुरादाबाद गए ही नहीं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी जी बोलिए त्रिपाठी जी। जी अब दोनों मित्र से जो भी सवाल हो, जो भी बात रखनी हो रख लीजिएगा, इसलिए बहुत दर्द लगेगा। जी, जी, और बोली, बोली। प्रभु हमारे बड़े भैया मिश्रा जी थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। अभी आपने भारतीयता की बात कही, कौन सी भारतीयता में लिखा हुआ है कि अपनी पत्नी को छोड़कर आप ऐश करिए? कौन सी भारतीयता में लिखा है कि पत्नी को आप जो है दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ दीजिए और खुद दिन भर में पांच प्रकार के ड्रेस बदलिए, काजू की रोटी खाइए, 800 के प्लेन में चलिए, 800 करोड़ रुपए की, और दुनिया देखिए मुझे पता था दर्द होगा। कहा था जवाब लेते जवाब पूछा आपने पूछा कौन से भारतीय संस्कृति में लिखा है? मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। हाँ ठीक है ठीक है, त्रिपाठी साहब बोल लीजिए एक मिनट। मिश्रा जी त्रिपाठी साहब पूरा कर ले। हाँ बोलिए बोलिए। खत्म होगी आपकी कभी? शाही साहब आ रहा हूँ शाही साहब आपके पास। अरे भाई एक मिनट मांगा था आपसे, आपने 10 सेकंड बोलने नहीं दिया। चलिए चलिए बोलिए 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 बोलिए, भूमिका मत बनाइए, समझ गए कि किसने पत्नी छोड़ दी, फिर आगे आगे अगला सवाल। हाँ। एक मिनट चाहिए। हाँ, बोलिए। मैं अपनी बात रख दूँ। हाँ। देखिए कौन सी भारतीयता में लिखा है कि आप 90 साल की अपनी माता जी को सिर्फ पॉलिटिक्स में फायदे के लिए लाइन में लगा दीजिए? कौन सी भारतीयता में लिखा है कि आप अपने परिवार देखिए साहिब जी को, देखिए हमें पता है देखिए आपकी दुखती रखकर हार गए। भारतीयता इस देश की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या है गौतम बुद्ध। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए, बात यहाँ मानवता के, आप बड़े भाई है, मैं जवाब देना नहीं चाह रहा हूँ, आप जबरदस्ती चाह रहे हैं कि मैं जवाब दूँ। चलिए चलिए बोलिए बोलिए, सुन लीजिए मिश्रा साहब बोलेंगे कुछ। हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया और आरोप लगा रहे हैं कि हमें भारतीयता का पता नहीं है। आ रहा हूं शाही साहब आपके पास। जब उद्देश्य महान होते हैं तो यहाँ पे पूरे परिवार को छोड़ दिया जाता है। उदाहरण महात्मा बुद्ध ने किस भावना से ओतप्रोत होकर के अपनी पत्नी और नवजात शिशु और राजमहल को छोड़ दिया। दूसरी चीज में आप अरे सुन लीजिए ना, अब सुनिए आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं, आप चिल्ला रहे हैं। त्रिपाठी सुनिए, सही बंद करिए, सनातन धर्म का मैं सनातन धर्म की बात बता रहा हूं, धर्म का उदाहरण मैं बता रहा हूं। राजा दशरथ जब युद्ध कर रहे थे, सुनिए, तो महिला ने उनकी रानी जो थी जो 3 वर दिए थे, उन्होंने उस रथ का पहिया हट गया तो अपनी अंगुली लगाई थी, तब दशरथ ने बोला था कि मैं आपको इतना ये वर मांगने के लिए छूट देता हूँ, टाइम आने पे आप मांग लीजिएगा, तब राम का वन गमन के लिए उन्होंने वर मांगा। शंकराचार्य ने क्या किया? शंकराचार्य लोक कल्याण के लिए अपनी माता को छोड़ के गए, और सन्यासियों के लिए ये है कि आप वापस घर नहीं जा सकते सन्यास के लिए, सन्यास धर्म को भी छोड़ के उन्होंने माता का अंतिम संस्कार किया। अरे आप भारतीय होते आपको शर्म आनी चाहिए। हजारों उदाहरण ऐसे दूंगा जहां पर लोगों ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। आप सारे प्रदेश में चले जाइए, जितने इंसान हैं मेल हैं वो परिवार का कल्याण के लिए कमाई के लिए बाहर चले जाते हैं, नौकरी और रोजगार के लिए, ताकि परिवार का पेट पले, परिवार अच्छे तरीके से आगे बढ़े। शाही मिश्रा जी, मैं शाही साहब कुछ करना चाह रहे हैं, बोलिए शाही साहब। समय समय कम है। जी जी जी, वो समझ नहीं पाएंगे, त्रिपाठी नहीं समझ पाएंगे। जी कितनी अच्छी बात आप कर रहे हैं त्रिपाठी जी, भारतीयता के बारे में। राजीव गांधी